एटलीस्ट आप लोग गलत होम रेमेडीज का इस्तेमाल मत करो, गलत उपचार, आयुर्वेद से कोई नुकसान नहीं होता, होम रेमेडीज हैं, घरेलू नुस्खा, ऐसे मत करो यार, नुकसान कर जाते हैं, फिर फालतू आयुर्वेद बदनाम होता है। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी अपने आसपास की जो घर की चीजें हैं ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको समझ लेना है। आज की वीडियो में आपको उसका सलूशन मिल जाएगा कि आपको क्यों आयुर्वेद की जो मैं लर्निंग सीरीज बना रही हूँ वो आपको क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों उसके नोट्स बनाने चाहिए, क्यों समझना चाहिए, कैसे आप अपनी एटलीस्ट 60% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप इन सिंपल होम रेमेडीज का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई हेल्थ कंडीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और डॉक्टर के पैसे बच जाएंगे। तो अल्टीमेटली मैं अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हूँ। हाय एवरीवन, पिछले काफी सारे वीडियोस में हमने वात पित्त कफ की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब उसे पढ़ने के बाद आपके मन में अक्सर ये डाउट आ रहा होगा कि यार इस नॉलेज का करना क्या है, ट्रीटमेंट कराने के लिए तो डॉक्टर के पास ही जाना है। और मैं भी हमेशा यही एडवाइस देती हूँ, यही सजेशन देती हूँ कि आप नॉलेज के लिए आयुर्वेद पढ़ लीजिए, लेकिन जब आपको कोई डिसीज हो, जब कोई सिकनेस हो और कोई भी किसी भी प्रकार की सीवियर हेल्थ कंडीशन हो, तो उसके लिए बेटर रहेगा कि आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पर्सनली कॉन्टैक्ट करके अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तो फिर अब फिर वही बात कि हम पढ़े क्यों। आज की वीडियो में आपको उसका सलूशन मिल जाएगा कि आपको क्यों आयुर्वेद की जो मैं लर्निंग सीरीज बना रही हूँ वो आपको क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों उसके नोट्स बनाने चाहिए, क्यों समझना चाहिए, कैसे आप अपनी एटलीस्ट 60% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आपकी होती है, बच्चों की, माता पिता की, इन सब की प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं घर पर ही। तो आज का वीडियो ध्यान से देखिए और आज का वीडियो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होने वाला है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको समय दूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप वीडियो पूरा देखने के बाद भी लास्ट में अपने ओपिनियन, अपना कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ उस समय पर उसका आंसर जरूर लिखें। तो इससे आपको पढ़ने में ही मजा आएगा और आपको थोड़ा सा सोचने का मौका मिलेगा कि यार क्या है, क्या नहीं है और कैसे आयुर्वेद काम करता है। आयुर्वेद केवल होम रेमेडीज का सिद्धांत नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले सवाल से चालू करते हैं। पहला सवाल है, बारिश का सीजन है अभी, गर्मी खत्म होकर जस्ट बारिश आई और भयंकर उमस वाला सीजन हो रखा है अभी। मान लीजिए कि आप ऑफिस गए हैं, ऑफिस गए थे, लौट के आए और रास्ते में बारिश हो गई। अब बारिश के पानी में भीगने की वजह से जब आप घर पे आए तो आपको शरीर में खुजलियां चालू हो गई, पूरे शरीर में अब आपको खुजली हो रही है। ठीक है, जितना मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उतना ही ध्यान रखना है, ट्रीटमेंट भी मैं बताऊंगी, आप ये सब नोट कर लीजिएगा। तो आपको तो बारिश के सीजन में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन यही मिल गया, आपको किसी डॉक्टर के पास में जाके अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ेगा, ये कंडीशन सबने महसूस करी होगी। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस समय पर आपके शरीर में किस दोष का प्रकोप होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आंसर लिख दिया, लिखा नहीं होगा तो एटलीस्ट सोच तो लिया होगा इतनी देर में आपने कि क्या इसका आंसर होगा। चलिए अब इसके कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा सारी चीजें हेल्दी पर्सन के लिए अज्यूम की जा रही है, बीमार व्यक्ति के लिए हम बात नहीं कर रहे, हेल्दी पर्सन के लिए। बारिश का जो पानी होता है इसकी प्रॉपर्टीज कैसे होती है? पानी का स्वाभाविक गुण होता है शीत, ठंडा होना, स्वाभाविक रूप से पानी शीत होता है। जब आप पानी में भीगते हैं, खासतौर से बारिश का जो पानी होता है, ये आपके शरीर में किस दोष को प्रकोपित करता है? शीत गुण के कारण वात को और कफ को प्रकोपित करने वाला होता है। शीत गुण के कारण वात और कफ को प्रकोपित करने वाला होता है। बारिश का जो पानी होता है वो ऊपर आसमान से नीचे आ रहा है, धरती का जो पानी है जो यहाँ भरा हुआ रखा रहता है इसमें गतिमान नहीं होता, ये इसमें चल गुण नहीं होता। तालाब का पानी है वो अपनी जगह पर इकट्ठा होता है, लेकिन बारिश का पानी ऊपर आसमान से टपक कर आ रहा है। नदी का पानी तेज गति से, जो बहुत तेज गति से बह रहा है, इसके अंदर क्या होता है? चल गुण होता है। अब आप याद करिए, जब मैंने आपको वात और कफ की प्रॉपर्टीज बताई थी, क्या क्या गुण होते हैं वात और कफ के? सबसे पहले वात के गुण क्या होते हैं ये आपको समझना जरूरी है। पहले रुक्ष है, तो उसके बाद तीक्ष्ण है। तीसरे नंबर पर जो वायु का स्वाभाविक गुण है कि वायु शीत प्रवृत्ति की होती है, वायु शीत होती है, ठंडी होती है, वायु स्वाभाविक रूप से ठंडी होती है। तो शीत होना, ठंडा होना, यह वात और कफ दोनों में समान होता है। वात स्वाभाविक रूप से शीत होती है, कफ स्वाभाविक रूप से शीत होता है। इस कंडीशन में शीत गुण के कारण वात और कफ का प्रकोप होगा, लेकिन चल गुण के कारण, गतिमान पानी के कारण आपके शरीर में वात का प्रकोप होगा। इस हेल्थ कंडीशन में आपको वात बढ़ी हुई है, साथ में कफ बढ़ा हुआ है। वात के ऊपर हम 2+ लगा सकते हैं, कफ के ऊपर 1+ लगा सकते हैं। वात डोमिनेंट है, वातज और कफज खुजली हो रही है। अब इसमें आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अगर खुजली होती है तो सामान्य तौर पर लोग क्या बोलते हैं? तेल लगा लो यार, कोई खुजली वाला तेल मार्केट में आया होता है या खुजली वाला कोई ट्यूब ऑइंटमेंट आया हुआ है तो आप उसको लगा लो। क्या वो इस कंडीशन में काम करेगा? वो तेल यहाँ पर काम नहीं करेंगे। क्यों काम नहीं करेंगे?
क्योंकि जितने भी ऑयल मार्केट में खुजली वाले के नाम से आते हैं, अलग अलग प्रकार के आयुर्वेद के भी होते हैं, बाकुची तेल होता है, जात्यादि तेल आता है, इनका प्रयोग किया जाता है खुजली वाली कंडीशन में। लेकिन इस प्रकार की हेल्थ कंडीशन में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वात के साथ में कफ भी मिला हुआ है। अगर हम होम रेमेडीज की बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप घर पे हैं, घर की हेल्थ कंडीशन है, इसका आपको प्रयोग करना है, तब हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? किचन में देखिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो वात और कफ दोनों को शमन करता है? अपने घर के मसालदान में सोचिए कोई ऐसा प्रोडक्ट, कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको याद आ रहा है तो, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपको वात और कफ दोनों का शमन करने वाला होता है। बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखिए, जो हर घर में मिलेगा, हल्दी। हल्दी जो होती है उष्ण गुण के कारण वात और कफ दोनों का शमन करती है। तब इस प्रकार की कंडीशन में अगर आप हल्दी का लेप लगाएंगे या हल्दी का उबटन करेंगे तो आपको फायदा होगा। अगर ये हेल्थ कंडीशन आपके साथ हो जाए तो ऑफिस से आने के बाद में आप थोड़ी सी हल्दी लीजिए, पानी के साथ में आप इसे पूरे शरीर पर लगाइए, मलिए और 5-10 मिनट के बाद नहा लीजिए, आपको फायदा होगा। ठीक है, सिंपल, फायदा होगा। इस कंडीशन में अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा तेल भी लगाना है, मान लीजिए आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, सूखी कंडीशन में रहती है, जनरली आपकी स्किन बहुत ड्राई है, तब आप बोलेंगे यार हल्दी लगाने से बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, तब आप तेल का इस्तेमाल साथ में कर सकते हैं, लेकिन कितना? बहुत अल्प मात्रा में। किस तेल का इस्तेमाल करेंगे? अगर जैसे घर में कौन से तेल होते हैं सामान्य तौर पर, सरसों का तेल। सरसों का तेल उष्ण प्रकृति का होता है, तो उष्ण गुण के कारण ये वात का शमन करेगा और कफ का भी शमन करेगा। तो हम यहाँ पर बहुत ही अल्प मात्रा में सरसों का तेल हल्दी के साथ में मिला के लगा सकते हैं। तिली के तेल की अगर हम बात करें तो तिली का तेल भी उष्ण होता है, घर पे इजीली मिल जाएगा, लेकिन ये विपाक में शीत होता है, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ठंडा गर्म ठंडे गर्म के बीच में थोड़ा सा डाइवर्ट होती रहती है, कभी ये प्रॉपर्टीज कभी ये प्रॉपर्टीज। तो अगर आप तिली के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी अल्प मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। नारियल का तेल, नारियल का तेल स्वाभाविक रूप से शीत होता है, तो शीत होने के कारण ये अपने स्निग्ध गुण के कारण, क्योंकि तेल है चिकना है स्निग्ध है, तो उसकी वजह से वात और कफ का शमन तो कर देगा लेकिन अपने शीत गुण के कारण थोड़ा सा बढ़ा भी देगा, तो मतलब उतना फायदा नहीं करेगा। तो अगर ये वाली हेल्थ कंडीशन है आपके साथ में, तब आप क्या करेंगे? हल्दी का लेप कर सकते हैं, हल्दी के साथ में बहुत ही अल्प मात्रा में तेल डाल सकते हैं, अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो, नेचुरली रूप से ड्राई है तो। अदरवाइज नहाने से पहले पूरे शरीर पर हल्दी अच्छे से लगाइए, मलिए और उसके बाद नॉर्मल तरीके से नहा लीजिए, आपको बारिश के मौसम में होने वाली जो खुजली है उससे आपको परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा। दूसरी हेल्थ कंडीशन की बात करते हैं, फिर से थोड़ा सा सोचिएगा। बारिश के सीजन में आए, काम करके आप लौटे, अब यहाँ पे खुजली तो हो रही है लेकिन खुजली के साथ में जलन भी हो रही है। आप खुजाते हो और खुजाने के बाद आपकी जो चमड़ी है वो लाल कलर की हो जाती है, रेड हो जाती है, उसमें बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, जलन महसूस होने लगती है। अब क्या हो रहा है? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जलन होना किसका गुण होता है? स्वाभाविक रूप से पित्त का। इस कंडीशन में वात, कफ और पित्त तीनों प्रकोपित अवस्था में रहेंगे। लेकिन क्या होगा? पित्त की प्रॉपर्टीज क्या होती है? उष्ण होती है। वात और कफ क्या होता है? शीत होता है। लेकिन पित्त कैसा होता है? स्निग्ध होता है। कफ भी स्निग्ध होता है। इस कंडीशन में वात डोमिनेंट है लेकिन कम है, थोड़ी सी कफ है, वात है, कफ है, कफ भी थोड़ा सा कम है और पित्त थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। यहाँ मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे देती हूँ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, फ्यूचर में हम आपको पढ़ाएंगे इस चीज को। वर्षा ऋतु जो होती है ये आयुर्वेद में इसे पित्त का संचय काल बोला गया है। संचय काल का मतलब होता है जैसे RD अकाउंट होता है ना, आपने बैंक में सुने होंगे FD और RD। RD में क्या होता है? हर महीने 10,000, 10,000, 10,000 या जो भी आप डालना चाह रहे हो, 5,000, 5,000, 5,000 हर महीने उसको डालते हो और फिर इकट्ठे 4-5 साल के बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, बढ़ते हुए आपको 4 साल के बाद एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पैसे का संचय हो रहा है। ठीक, उसी प्रकार से वर्षा ऋतु में पित्त का संचय काल होता है। वर्षा के बाद जब शरद आएगा तब इसका प्रकोप काल होगा। पित्त का संचय का मतलब यह है कि अगर आप इस मौसम में पित्त वर्धक आहार विहार का सेवन करते हैं तो आपका पित्त जल्दी प्रकोपित हो जाएगा या एटलीस्ट अगली आने वाली ऋतु में जल्दी प्रकोपित हो जाएगा। थोड़ा इसे कुछ हुआ और प्रकोपित हो गया, जैसे कहते हैं ना आपका बारूद रखा है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जरा सी चिंगारी लगाई तो हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर आपने बारे आपका ऑलरेडी खाना पीना ऐसा था जो पित्त को प्रकोपित करने वाला था, स्वाभाविक रूप से पित्त का संचय हो रहा है, तो जरा सा भी आप बारिश में भीगे हैं, आपने कुछ गर्म गर्म चीजें खा ली या दिन में आपने बहुत ज्यादा चाय कॉफी का सेवन किया था और भी काली मिर्च अदरक लहसुन वाला आपने खाना खाया था और उसके बाद आप बारिश में भीग गए, तो यहाँ पे वात कफ और पित्त तीनों का प्रकोप हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? अगर आपने हल्दी का लेप किया फायदा तो हो जाएगा लेकिन परमानेंट नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद वापस आपको जलन होने लगेगी।
इस कंडीशन में आपको पित्त का विरेचन कराना होता है। विरेचन मतलब उसे आपको स्टमक के अंदर, जब हमने पित्त के भेद पढ़े थे तो हमने देखा था कि एक पाचक पित्त होता है जो कि सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है। इस कंडीशन में जो कि पित्त अपना स्वाभाविक रूप से प्रकोपित नहीं है, वर्षा ऋतु के कारण या आपके आहार विहार में थोड़ा बहुत गलत चीजों के कारण प्रकोपित अवस्था में आया है, इस कंडीशन में यदि आप इसे लेप करके शांत करेंगे तो नहीं होगा, इसमें आपको पित्त का विरेचन कराना पड़ेगा। पित्त का विरेचन का मतलब होता है आपको लूज मोशन लगवाने पड़ेंगे, ऐसी दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे कि पेट ज्यादा साफ हो। फेवरेट मेडिसिन है इस कंडीशन में त्रिफला का प्रयोग करिए। आप त्रिफला का लेप भी शरीर पे करेंगे तो फायदा होगा। जहां मैंने पहली कंडीशन में आपको हल्दी का लेप बताया था, वहां इस कंडीशन में आपको हल्दी के साथ में या तो त्रिफला मिलाकर या फिर अकेला त्रिफला मिलाकर आपको लेप करना है, अभ्यंग करना है इसका या उबटन करना है, और उसके बाद में साथ में आपको त्रिफला का पाउडर या त्रिफला का काढ़ा लेकर विरेचन करवाना है, तब आपको ज्यादा फायदा होगा। अब यहाँ और छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, जैसे इस कंडीशन में क्योंकि पित्त भी बढ़ा हुआ है तो आप अगर हल्दी का लेप कर रहे हैं तो जहां पहले मैंने तेल का प्रयोग बोला था, वहां अगर आप इस कंडीशन में घी का प्रयोग करेंगे हल्दी के साथ में, बहुत ही अल्प मात्रा में घी मिला करके या फिर त्रिफला और हल्दी के कंपोजिशन में मिक्सचर में थोड़ा सा घी मिलाकर आप उबटन करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। सिंपल सा बात, पित्त कफ बहुत ही सिंपल होते हैं, छोटी छोटी चीजों से चेंज हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से डेबिट हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी अपने आसपास की जो घर की चीजें हैं ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको समझ लेना है। सिंपल से घर में जो तेल आता है, जो घी आता है, जो खाने की चीजें हैं, जो मसाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, आप जो अन्न खाते हैं, गेहूं का अन्न है, मक्का का अन्न है, बाजरे का आटा है, घर में जो सब्जियां खाते हैं, लौकी, तोरई, कद्दू, भिंडी, पालक, इन सबकी प्रॉपर्टीज को बस समझ लेना है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई तो आप वात पित्त कफ को इजीली मेंटेन कर लोगे, तो आपकी वात पित्त कफ मेंटेन हो गया तो 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गई आपकी। तीसरी हेल्थ कंडीशन पे बात करते हैं। अब आप सारे एग्जांपल बारिश के होंगे क्योंकि बारिश का सीजन है भाई, कुछ तो फायदा होना चाहिए। अगर मेरा वीडियो देखकर आप 3-4 हेल्थ कंडीशन में भी अपना फायदा उठा लो तो डॉक्टर के 700-800 रुपए तो बचा लिए ना आपने, कम से कम 2-3 विजिट के। तो तीसरी हेल्थ कंडीशन, आप बाहर से आए, बारिश में भीग गए थे और बारिश में भीगने की वजह से आपको रात में पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, टूटन हो रही है, हाथ पैर में दर्द होता है, टूटन महसूस हो रही है, हल्का हल्का सिर में दर्द है, कमर में जकड़ाहट महसूस हो रही है, इस कंडीशन में किस दोष का प्रकोप है और ट्रीटमेंट क्या लिया जा सकता है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। किस दोष का प्रकोप हो रहा है इस कंडीशन में और ट्रीटमेंट आपने क्या लिया, इसका आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपने पहले कमेंट किया है तो दोबारा कमेंट करिए, लिखिए तीसरी हेल्थ कंडीशन और फिर कमेंट करिए अपना। 15 सेकेंड का वेट लेते हैं इस बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सोचिए सोचिए, ट्रीटमेंट भी लिखना है इस बार, तो कोई तो होम रेमेडीज आपको लिखनी पड़ेगी इस कंडीशन में जो काम करेगी। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है 15 सेकेंड आपके हो गए। जिन लोगों को कमेंट करना था उन्होंने कर दिया, जिन्होंने पुराना पढ़ा होगा उन्होंने भी कमेंट कर दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। इस कंडीशन में क्या प्रकोप हो रहा है, शरीर के अंदर टूटन, जकड़ाहट, ये सारे लक्षण होते हैं कफ के। कफ जब प्रकोपित अवस्था में होता है तो शरीर के अंदर टूटन जकड़ाहट पैदा करता है, लेकिन वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में वात तो हमेशा रहेगा क्योंकि बारिश में भीगे हो, तो इस कंडीशन में भी आपका वात और कफ का प्रकोप है। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, वहां पर स्किन में हो रहा था तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर लिया, लेकिन यहां तो प्रॉब्लम इंटरनल है, शरीर के अंदर है, तब आप क्या करोगे, हल्दी इस कंडीशन में फायदा करेगी, सोचिए आंसर क्या रहेगा, यस एंड नो। यस भी है तो भी सही है, नो है तो भी सही है, हल्दी फायदा कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। लेकिन अगर मैं आपको बहुत ही सही मेडिसिन बताऊं तो इस हेल्थ कंडीशन में आपको फायदा करेगा सौंठ, शुंठी, ड्राई जिंजर पाउडर, अदरक का ये जो पाउडर होता है, सूखी हुई अदरक का जो पाउडर होता है। आयुर्वेद में अदरक और सौंठ दोनों अलग अलग चीजें हैं, मतलब एक ही चीज है लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो ऐसा नहीं करना है कि मैंने सौंठ बोला तो आप अदरक का प्रयोग चालू कर दें, नहीं, सौंठ मतलब सौंठ, शुंठी, ड्राई जिंजर पाउडर, इस कंडीशन में आप सौंठ का प्रयोग करेंगे आपको फायदा होगा। वात और कफ का प्रकोप है, शुंठी जो होती है वात और कफ का शमन करने वाली होती है, मुख्य रूप से कफ का शमन करती है, ये वात को बैलेंस करती है, कफ का शमन करने वाली होती है। मैंने आपको बताया इसमें वात और कफ का प्रकोप है, मेनली कफ का प्रकोप है इस कंडीशन में, आपको सौंठ का प्रयोग करना है। लेकिन आप सौंठ कैसे करोगे, ठंडे पानी से, गर्म पानी से, हल्के गुनगुने गर्म पानी से। गर्म पानी क्या होता है, वात और कफ दोनों का शमन करने वाला होता है। कितना गर्म पानी, जो चाय जितना गर्म, जिसको धीरे धीरे पिया जाता है, यह वात और कफ दोनों का शमन करेगा।
और क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें दो चुटकी की मात्रा में नमक ऊपर से मिला सकते हैं। नमक कैसा होता है, एक तो लवण रस है, लवण नमकीन है, नमक होने के कारण ये वात और कफ दोनों का शमन करने वाला होता है, और दूसरा उष्ण प्रवृत्ति का होता है। नमक का स्वाभाविक गुण होता है उष्ण होना, उष्ण होने के कारण ये वात और कफ का शमन करने वाला होता है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप सौंठ का प्रयोग करोगे, गर्म पानी के साथ में प्रयोग करोगे, और पानी में थोड़ा सा नमक डाल के प्रयोग करोगे। आधा चम्मच की मात्रा में सौंठ पाउडर सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार गर्म पानी से, जिसमें आपने 2 चुटकी की मात्रा में नमक मिलाकर रखा है, इसका आप प्रयोग करोगे तो आपको इस हेल्थ कंडीशन में पूरी तरीके से फायदा होगा। अब इसी में थोड़ा सा और जोड़ देते हैं, अगर टूटन है, सिर दर्द है, कमर में जकड़ाहट है, साथ साथ बुखार भी आ गया, आपको बारिश में भीग गए थे बुखार आ गया। अब बुखार है, अब यहां सवाल नहीं पूछ रही, सीधे आंसर दे रही हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब बुखार है तो ऑब्वियसली बुखार मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है मतलब पित्त तो है, पित्त का प्रकोप है। इस कंडीशन में वात कफ और पित्त तीनों प्रकोपित हैं, ठीक है, वात कफ जो पहले से प्रकोपित थे, बुखार भी आ गया तो पित्त भी प्रकोपित है। इस कंडीशन में आप क्या लोगे, सौंठ का प्रयोग करोगे, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि सौंठ क्या होता है, आयुर्वेद में से ज्वरक ने बोला गया है, ये ज्वर को डाउन करने वाला होता है। सौंठ की प्रॉपर्टीज मैं आपको डिटेल में कभी बताऊंगी, सौंठ बहुत ही कमाल की ड्रग है, मतलब बस उसके ऊपर तो ऐसे वारी जमा वाले का मन करता है। सौंठ तो बढ़िया मेडिसिन है आपकी किसी भी हेल्थ कंडीशन में, आपको त्रिफला है, सौंठ है, अभिपत्तिकर है, पिपली है, ये आपको हर हेल्थ कंडीशन में फायदा कर देती है, बस थोड़ा सा इनका अनुपान जो है लेने का तरीका चेंज करना होता है। अगर बुखार आ गया है तब आप इस कंडीशन में सौंठ आधा चम्मच की मात्रा में, लेकिन कैसे पानी से, पहले वाले में गर्म पानी लिया था क्योंकि वात कफ था, इसमें पित्त भी है, अगर आपने गर्म पानी लिया तो पित्त बढ़ जाएगा, तो बुखार टूटे या नहीं टूटे, जलन ज्यादा महसूस होने लगेगी। तब आप इसमें कैसा, सुखोष्ण जल का प्रयोग करेंगे। सुखोष्ण जल का मतलब क्या होता है, हल्का सा बिल्कुल मामूली गुनगुना, बिल्कुल हल्का सा, जो अपन नहाने का पानी हल्का सा गुनगुना ले लेते हैं ना कभी कभी, या फिर जमीन के अंदर से जो पानी निकल कर आता है ठंडियों के सीजन में, वो हल्का सा गुनगुना होता है, इसे सुखोष्ण कहा जाता है। सुखोष्ण जल के साथ में आप इसका प्रयोग करेंगे सौंठ का, वहां आपने नमक डाला था, नमक उष्ण गुण का होता है, पित्त को बढ़ाने वाला होता है, यहाँ आप नमक का प्रयोग नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका पित्त जो बढ़ रहा था वो और बढ़ जाएगा। यहाँ आप अल्प मात्रा में घी का प्रयोग करेंगे, वही सौंठ है लेकिन लेने का तरीका चेंज हो गया, आपने इसे गर्म पानी के बजाय सुखोष्ण जल से लिया, और जो सौंठ है वो सॉरी जो नमक है उसको रिप्लेस कर दिया घी के साथ में। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका वात पित्त और कफ तीनों सामान्य अवस्था में आएगा, और जो ज्वर है वो शांत हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल हेल्थ कंडीशन है, लेकिन निश्चित रूप से आपको इनसे सफर करना ही पड़ता है इस सीजन में, बारिश के सीजन में, आपको नहीं तो आपके पति को, पत्नी को, या बच्चों को, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, शाम को बीमार होकर आ जाते हैं बारिश में भीग के। तो आपको अगर आप इन सिंपल होम रेमेडीज का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई हेल्थ कंडीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और डॉक्टर के पैसे बच जाएंगे। तो अल्टीमेटली मैं अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ, या एटलीस्ट मेरी जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है उसके पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपका एजुकेट होना ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट आप लोग गलत होम रेमेडीज का इस्तेमाल मत करो, गलत उपचार, आयुर्वेद से कोई नुकसान नहीं होता, होम रेमेडीज हैं, घरेलू नुस्खा, ऐसे मत करो यार, नुकसान कर जाते हैं, फिर फालतू आयुर्वेद बदनाम होता है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है, वात पित्त कफ की जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं वो वीडियो ध्यान से देख लीजिए, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आगे पढ़ने में और मजा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी, गुड बाय। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ।